बहादुरगढ़ नगर निकाय चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे इनेलो का प्रचार भी जोर शोर से बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की पुत्र वधु मोनिका कपूर राठी बहादुरगढ़ नगर परिषद के चेयरपर्सन पद की मजबूत दावेदारी प्रस्तुत कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जहां से मोनिका राठी निवर्तमान पार्षद हैं, उसी वार्ड 15 से नफे सिंह राठी की दूसरी पुत्र वधु प्रीति राठी भी चुनावी मैदान में है। नफे सिंह राठी ने अपनी दोनों पुत्र वधुओं को वोट के जरिए आशीर्वाद देने के लिए लोगों से अपील की और मोनिका राठी के चेयरपर्सन बनने के बाद भ्रष्टाचार पर तुरंत अंकुश लगाने की बात कही। वहीं इस मौके पर मोनिका राठी ने कहा कि उनके चेयरपर्सन बनने के बाद प्रॉपर्टी आईडी और हाउस टैक्स से संबंधित गड़बड़ियों को ठीक किया जाएगा। भरपूर समर्थन मुझे मिल रहा है और मुद्दे तो सारे ही हैं। मुद्दे देखे जाए तो बहादुरगढ़ में समस्याएं हैं। पिछले 5 सालों में मैं बार बार कह रही हूँ, कोई काम धरातल पे हुआ नहीं है, चाहे वो हाउस टैक्स के बारे में हो, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी की खामियां हों, चाहे वो लाइटें हों, चाहे वो स्टेडियम हों, गलियां हों, सड़कें हों, सब कुछ समस्याएं सड़कों पे हर तरफ गड्ढे जी, हर तरफ। और बनते ही मैं बार बार ये आपको बोल रही हूँ कि बेसिक से हम शुरू करेंगे, सड़क, लाइट और पानी, ये चीज इन पे तो हमारा बहुत हमें फोकस करना ही है। इस दौरान इनेलो उम्मीदवार मोनिका राठी के पति कपूर सिंह राठी ने कहा कि बहादुरगढ़ के वार्ड 15 से एक तरफ जहां प्रीति राठी को भरपूर वोट मिलने जा रहे हैं, तो वहीं मोनिका राठी भी नगर परिषद की चेयरपर्सन बनने जा रही हैं। कपूर राठी का कहना है कि मोनिका राठी के चेयरपर्सन बनने के बाद जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। नगर परिषद ने जो पिछले 5 साल में प्रॉपर्टी आईडी में जो लोगों की गड़बड़ की, किसी की प्रॉपर्टी आईडी किसी के नाम पे कर दी और उसके बदले में नगर परिषद ने उनको बिल भी दे दिया, हमारा मकसद रहेगा कि उस प्रॉपर्टी आईडी को ना केवल ठीक करेंगे बल्कि जनता दरबार लगा के उसको तुरंत प्रभाव से ठीक और उसका निरस्तरीकरण करेंगे। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये 15 वार्ड है और 15 वार्ड में प्रीति ना केवल जीतेगी बल्कि बहुत अच्छे मार्जिन से मोनिका भी यहाँ से जीतने वाली है, क्योंकि हमने 5 साल पिछले लोगों की सेवा की है और सेवा किसी भ्रष्टाचार के उससे नहीं की, हमारा मकसद सेवा करने का सिर्फ एक रहा है, लोगों का काम हो। वहीं इस दौरान नफे सिंह राठी ने कहा कि बहादुरगढ़ में पिछले कार्यकाल में एक तरफ जहां कांग्रेस की चेयरपर्सन और बीजेपी के विधायक ने मिलकर सफाई और स्ट्रीट लाइटों के नाम पर घोटाले किए हैं, विजेंद्र राठी जी ने और नरेश कौशिक ने मिल करके बहादुरगढ़ को लूटा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी बहादुरगढ़ की जनता जानती है, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, लाइटों का घोटाला, सफाई का घोटाला, बहुत बहुत घोटाले हैं और कई करोड़ों के टेंडर इस किस्म के लगाए गए जो काम हुए ही नहीं हैं, बहुत बुरी तरह से बहादुरगढ़ को लूटने का काम किया है, इसलिए हमारा मेन मुद्दा है भ्रष्टाचार को ख़त्म करना और डेवलपमेंट के काम करना, सबसे पहली प्रायोरिटी यह होगी कि भ्रष्टाचार पर तुरंत अंकुश लगेगा, सबसे पहले जिस दिन शपथ लेगी उससे अगले दिन ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लग जाएगा, एक बात। दूसरी बात, जो डेवलपमेंट का पैसा है वो डेवलपमेंट में लगे, विकास में लगे, ये हमारा प्रयास नहीं होगा बल्कि हम करेंगे। नफे सिंह राठी भी 2 बार चेयरमैन रहा है, 2 बार MLA ही बनाया आपने, मैं विरोधियों को देता हूँ इस बात की चैलेंज कि भाई अगर नफे सिंह राठी के खिलाफ एक भी शिकायत है, जब मैं चेयरमैन रहा या MLA रहा, कोई किसी से पैसा खाया हो, बहादुरगढ़ में हज़ारों दुकानदार हैं, कोई ये कह दे कि 10 रुपये भी नफे सिंह की तरफ रह गए या किसी के पैसे मार लिए, नहीं कह सकता, हमारे चरित्र पर कोई उंगली उठा दे, नहीं उठा सकता। और ये बात जो मैं कह रहा हूँ, ये नरेश कौशिक भी कहे, विजेंद्र राठी भी कहे, रवि खत्री भी कहे, तो मुझे बड़ी खुशी होगी, कह के तो दिखाओ। इसके साथ ही नफे सिंह ने कहा कि शहर में अमृत योजना के तहत करवाए जाने वाले विकास कार्यों का भी लाभ लोगों को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मोनिका राठी के चेयरपर्सन बनते ही सबसे पहले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाएगा। बहरहाल परिषद के चुनावों को लेकर नेता बहुत दावे कर रहे हैं, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि जनता किसे जिताएगी और किसे वादे पूरे करने का मौका मिलेगा। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।